तकबीर-ए-तहरीम माँ खड़े होने की हालत में कहना फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्ताहब है? तकबीर-ए-तहरीम माँ खड़े होने की हालत में कहना, कयाम की हालत में खड़ा होना सीधे बिल्कुल, ये फर्ज है, ये फर्ज है। बाद हजरात को देखा है कि इमाम साहब रुकू में है, और जब इमाम साहब रुकू में गए तो उधर से देखा तो आए दारे को, न तो उसने तकबीर तहरीमा खड़ा होने की हालत में की। जब उसका फर्ज ही फुर्ज हो गया तो उसकी नमाज भी नहीं हुई, सीधा खड़े होने की हालत में। इस तरीके से सीधा खड़ा होने की हालत में तकबीर तहरीमा, चाहे इमाम साहब रुकू में हो या ना हो, आप आएंगे तो सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े होने तकबीर तहरीमा कहना खड़े होने की हालत में सीधा, ये फर्ज है नमाज के अंदर। अगर आप इसको इस तरीके से आए, ये तरीका गलत, आपकी नमाज नहीं होगी। अब इमाम साहब रुकू में है, आप इसी तकबीर से तकबीर तहरीमा खड़े होने की हालत में जो कह रहे हैं, इसी तकबीर से आप रुकू में चले जाए, कोई हर्ज नहीं है। ये सुन, ये नियत बांधना, ये नियत बांधना, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा कहना, दो चीज हो गई, एक नियत, फिर दूसरी तकबीर रुक में जाने के लिए। आप तकबीर भी तहरीमा का खड़े होने की हालत में इसी तकबीर से आप रुक में जा सकते हैं, सुनना है? हाँ, सीधे खड़े होकर अल्लाह पर कहो और बस उसी से आप रुक में चले जाओ। ये उस वक्त है कि जब इमाम साहब बिल्कुल उठने के करीब हो, अगर इमाम साहब अभी रुकू में गए और आपने देख लिया कि अभी मैं रुकू पा सकता हूं अच्छी तरीके से, तो अब इत्मीनान के साथ खड़े होकर नियत बांध लो, उसके बाद दूसरी तकबीर के और रुकू में चले जाओ। मुझे समझ गए?